आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। पन्ना जिले के धर्मपुर थाना पुलिस ने एक साल से फरार चल रहे हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेजा। बता दें, लगभग एक वर्ष पहले 9 अगस्त 2019 को धर्मपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरछी की रुंज नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बुरी तरह शतविषित अवस्था में मिला था। पुलिस ने मामले पर मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया और मृतक की शिनाख्त राजेश निवासी बांदा जिला के रूप में हुई। उसके बाद मामले की जांच की गई, जिसमें पता चला कि आरोपी ने मृतक को गोली मारकर सर को बुरी तरह कुचल दिया था, जिससे मृतक की शिनाख्त ना हो सके। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। आरोपी एक साल से फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फरियादी सराफत खां सरपंच अमरछी ने रिपोर्ट किया था कि ग्राम अमरछी में जो रुंज नदी निकली हुई, उसमें एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। रिपोर्ट पर थाना धर्मपुर में मर्ग कायम कर जांच की गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि मृतक के पीठ में गोली लगी थी और उसकी पहचान मिटाने के लिए आरोपी द्वारा उसके शव को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। जो धारा थाना धर्मपुर में अपराध क्रमांक 121 ने धारा 302 IPC पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान मृतक की पहचान राजेश राजपूत निवासी पवैया के नाम से की गई थी। दिनांक 11/2019 को आरोपी बबुआ उर्फ वीरेंद्र और मुन्ना उर्फ सीताराम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, लेकिन आरोपी लाला उर्फ घनश्याम सनाब गब्बू उर्फ गब्बुआ धोबी निवासी पवैया का फरार चल रहा था, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना ने इनाम घोषित किया गया था। जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना और श्रीमान SDP महोदय अजयगढ़ के मार्गदर्शन में आरोपी लाला उर्फ घनश्याम सनाब गब्बू उर्फ गब्बुआ धोबी निवासी पवैया को गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसमें थाना के स्टाफ ने काफ़ी कड़ी मेहनत और से प्रयास किया है, जिसमें गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई। अजयगढ़ से मोहम्मद आजाद की रिपोर्ट।